सालगम मैं यहाँ समो और आज मैं मौजूद हूँ मेरे नए सीरियल यानी मैं हरिप्रिया के सेट पर जो कि अभी ऑन एयर भी है, आप लोग देख भी रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं हरिप्रिया बिहाइंड द सीन्स में क्या हो रहा होता है। आज समझ तो आप गए होंगे, आवाज बहुत आ रही है क्योंकि इंट्रो लग चुका है। हम मौजूद हैं इस वक्त मैं हरिप्रिया के सेट पर और आवाज से आपको पता चल गया होगा कि मेरे सामने झूठ बोल रहा है। मेरे सामने मौजूद है मेरे भाई मदर मिस्टर समी खान। Yes. और इनसे पूछना है कि इनका एक्सपीरियंस मैं हरिप्रिया में कैसा रहा। जी मिस्टर समी खान जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। समी भाई, फवाद जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, फवाद हाँ। के बारे में देखो काफी तो लोगों ने देख लिया है। हाँ, फवाद क्या है, कैसा बिल्कुल, है बिल्कुल। आपने किस सोच के साथ फवाद को परफॉर्म किया है? यार आई थिंक जब मैंने फवाद का कैरेक्टर पढ़ा था तो मुझे उसके अंदर दो तीन बातें बहुत अच्छी लगी थी। एक तो कि ये कहीं से कोई साजिशी इंसान नहीं है, ठीक है, कोई बुरा नहीं सोचता, ठीक, एक अच्छा सिंपल फैमिली लविंग इंसान है जो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और माँ की बहुत इज्जत करता है। और साथ ही साथ जो अहम बात है कि जहां तक फवाद का ताल्लुक है, एक ऐसा मर्द है जो कि इसकी बीवी माँ नहीं बन सकती, प्रॉब्लम है, he still loves her. He was completely against के इसलिए शादी की जाए क्योंकि वो औलाद के बगैर भी बच्चे पे कहानी खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होती। वो कहते हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी सही। तो मुझे एक एलिमेंट ये बहुत अच्छा लगा था। और साथ ही साथ जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि जहाँ दूसरी शादी तीसरी शादी के जिक्र आते हैं लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारे मजहब में इजाजत है चार शादियों की, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि साथ ये भी हुक्म दिया गया है कि इनमें इंसाफ करो, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो हम इंसाफ करना अक्सर भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो इंसाफ की उसकी कश्मकश दिखाई है कि फवाद के लिए इंसाफ करना, एक फवाद जैसे ऑनेस्ट और सिंसियर आदमी के लिए कितना मुश्किल है इंसाफ करना, एंड इट्स नॉट ईजी कि आप इंसाफ कर पाए, और मुश्किल काम है, और वो बहुत ही बड़े और काबिल लोग होते हैं जो कि एक्चुअली इंसाफ कर पाते हैं। रही बात सलमान की, तो okay, so we have with us the genius, the mastermind, the creator, the magician, Mr. Badar Mahmood. Naam to suna hi hoga aapne. My God. Badar bhai, kaise hain? Bilkul theek. Kya ho raha hai bhai? Main bhi theek thaak, Allah ka shukr. Sammu, aap yahan kya karne aaye hain? Main yahan pe aapka interview lene aaya hoon sir. क्योंकि काम तो हो नहीं रहा यहाँ पे मुझसे। अभी सीन खत्म करके आए हैं ऊपर, बदर भाई से हमने कहा थोड़ा सा पूछ लेते हैं। मैं हरिप्रिया क्या है? ये एक फिल्म है और इंशाल्लाह ये रिलीज होगी, यानी जब सिनेमाज खुलेंगे। ओके ठीक है, अब सीरियस आ जाते हैं। मैं हरिप्रिया कैसे इस कहानी को समराइज करेंगे ढके छुपे अल्फाज में? कूदे में बंद करते चूजे को। यार ये बहुत मुश्किल कहानी है, इसको समराइज नहीं किया जा सकता है। 50 एपिसोड पे फैली हाँ। कहानी है, तो मैं कैसे आपको ये 2 मिनट में बता दूं? आप इसके लिए एपिसोड्स देखें। Okay, so we have with us a legend, our बड़ा अल्फाज क्यों पता है? बड़ा वाला बड़ा वाला बड़ा okay, नाम बड़ा के बड़े, किरदार के बड़े, काम के बड़े मरीना खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक ठाक? गुड गुड। कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक का मैं हरिप्रिया का? मैं हरिप्रिया का इस वक्त तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ अपने कैरेक्टर के बारे में,
लेकिन चल रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्या नाम, क्या कैरेक्टर है आपका? नफीसा बेगम। नफीसा, नफीसा में कितनी नफासत है? बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर उल्टी सीधी हरकतें भी कर लेती है। ओके, शेडी कैरेक्टर है? नहीं, इन द ग्रे लाइंस? नहीं, बड़ी अच्छी है। बड़ी अच्छी है, अच्छी है। हालात के हाथों मजबूर है? नहीं, एक्चुअली आई थिंक टेलीविजन की जो हमारी जो स्क्रिप्ट है ना, उसके हिसाब से मजबूर है। हाँ। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको जरा न्यूट्रल रखने की है। ठीक है। काम जो कर, हरकत जो कर रही है वो जरा सही नहीं है, लेकिन आई ट्राई टू कीप इट एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। तो लोगों को ये लगे कि ये जो कर रही हैं, इनके हाँ। नजदीक ये सही है? यस, बिकॉज उसमें वो देती है, मीनिंग अल्लाह का भी वास्ता देती है, मीनिंग देयर आर लॉट ऑफ कनोटेशंस। ठीक है। जिसकी वजह से वो कन्विंस करती है। सलमान, अरे कुत्तों खुदा का खौफ करो, शाम होने को आई है, अभी तक सो रहा है। सब पता है मुझे, आधी रात तक इस लड़के ने हमारा गड्डी करनी होती है। सलाम अलैकुम अम्मा, आज बड़ी जल्दी आ गई। हाँ, ऑफिस से छुट्टी लेकर सारा की तरफ चली गई थी। क्यों, क्या तो इस तरह पेश आ गई थी? अरे आज पे मिली थी ना। आप बिल्कुल ठीक, कैसा रहा एक्सपीरियंस मेहारी का? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग, एंड स्पेशली विद यू। आज का फर्स्ट टाइम काम किया है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक लग ही नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। और आज से पहले एक दूसरे को सिर्फ स्क्रीन पे देखा था, एवं कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी साथ। नहीं मिले थे, एक दफा मिले, दुबई में मिले थे। लेकिन वो ऐसे था कि गुजरते हुए बस हेलो, जो हमें गाड़ी में वापस आए थे, मुझे लिफ्ट करवाई थी, मैंने आयाज को लिफ्ट करवाई थी, क्योंकि बीच में आते भाई बैठे हुए थे और आते भाई दोनों से बातें कर रहे थे। हाँ, इसलिए हमें बात करने का मौका नहीं, बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन दिस टाइम वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही मजेदार था। और कैरेक्टर्स आप जो देखेंगे हम दोनों के, हमारी केमिस्ट्री, हमारी बॉन्डिंग, मुझे तो लगता है लाइक हम आपस में बहन भाई जो लड़ रहे हैं, असल बहन भाई वाले फड्डे किए हैं, बहुत ज्यादा शदीद थप्पड़ पड़ी मारे हैं मैंने। आगे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। Okay, so here we have with us Mrs. Hira Mani. कैसी हैं आप? ठीक ठाक भाई, कैरेक्टर है सारा, सारा कैसी है? सारा जो है वो बहुत रिश्तों को अंडरस्टैंड करने वाली और मियाँ से प्यार करने वाली, सिर्फ मियाँ से नहीं, सास से, नन से, आई मीन। अच्छा, ठीक है, शुक्र आपने कवर कर लिया। फैमिली ओरिएंटेड लड़कियां जो के हम लोग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वही कैरेक्टर है, मजे का है। अपनी रियल लाइफ से कितना क्लोज है? रियल लाइफ से काफी क्लोज है, काफी क्लोज है। हाँ, लेकिन इसलिए ज़्यादा स्पेशल है, दूसरी शादी की इजाजत नहीं दूंगी। अच्छा, ये बताना नहीं था, ये बताना नहीं था, ये मैं काट दूंगा। ठीक है।